में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट के जांच आयोग ने बताया फर्जी, सहभागी पुलिसकर्मी दोषी करार। देश में बढ़ते ईंधन की कीमतों के विरोध में यूथ कांग्रेस का आंदोलन, केंद्र सरकार के विरोध में लगाए नारे। और एयर इंडिया के प्लेन की आपातकालीन लैंडिंग, हवा में ही बंद हो गया था प्लेन का इंजन। और अब खबरें विस्तार से। 2019 के चर्चित हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित आयोग ने फर्जी माना है। आयोग ने कुछ पुलिस वालों को इसका दोषी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए मामला तेलंगाना हाई कोर्ट भेज दिया है। 26 नवंबर 2019 की रात हैदराबाद में 27 साल की एक वेटरनरी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या की गई थी। 6 दिसंबर को तड़के करीब 3 बजे पुलिस ने चारों आरोपियों को संदिग्ध एनकाउंटर में मार गिराया था। इसके कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व जज जस्टिस V.S. सिरपुरकर की अध्यक्षता में जांच आयोग बना था। जस्टिस सिरपुरकर आयोग को काम शुरू करने के 6 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। इस लिहाज से उसका कार्यकाल अगस्त 2020 में पूरा होना था, लेकिन कोरोना के चलते काम में देरी हुई। इस साल जनवरी में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। आज चीफ जस्टिस N.V. रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने रिपोर्ट को खोला। तेलंगाना सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने रिपोर्ट को फिलहाल गोपनीय रखने का अनुरोध किया, लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, इसमें गोपनीयता की कोई बात नहीं है। हमारे आदेश पर जांच हुई और कुछ लोगों को दोषी पाया गया। राज्य सरकार रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करे। अब हम मामले की निगरानी नहीं करना चाहते। सभी पक्ष रिपोर्ट को पढ़े और आगे की राहत के लिए हाईकोर्ट में अपनी बात रखे। सांसद रामदास तड़स ने आज नगर परिषद स्विमिंग पूल वर्धा में भगवा ध्वज के साथ एक्वाथलॉन प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता हमारे जिले के लिए नई है। इस प्रतियोगिता का आयोजन इस खेल को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपने जिले का नाम प्रसिद्ध करने के उद्देश्य से किया गया था। इस रोमांचक रंगारंग प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने पहले अपने ग्रुप के अनुसार दूरी पार की और फिर स्विमिंग पूल से बाहर आते ही अपने ग्रुप के अनुसार से दौड़ने लगे। प्रतियोगिता का आयोजन विधायक डॉ. रामदास जी आंबटकर ने स्थानीय विधायक निधि से किया था। इस अवसर पर सांसद रामदास तड़स, विधायक डॉ. रामदास आंबटकर, पूर्व महापौर अतुल तराले, जिला परिषद सदस्य पंकज सायंकर आदि उपस्थित थे। इस रोमांचक प्रतियोगिता में लोगों ने भी भाग लिया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और प्रतियोगिता का लुफ्त उठाया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। आमदार चषक स्विमिंग स्पर्धेच्या या बक्षीस समारंभ प्रसंगी या ठिकाणी ज्यांच्या उपस्थितीचा बक्षीस समारंभ होत आहे ते वर्धेचे नगराध्यक्ष अतुल तराळेजी, जिल्हा परिषदचे सदस्य पंकज सायंकरजी आणि आमदार रामदासजी आंबटकर यांच्या कल्पनेतून प्रेक्षकांनी आपापली जागा निश्चित करून घ्यावी। जे कोणी बाहेर असतील त्यांनी आतमध्ये येऊन बसावं। या स्विमिंग स्पर्धेला सुरुवात झाली। स्विमिंग म्हणजे व्यायामाचा सर्वात मोठा भाग आहे आणि स्विमिंगमुळं माणसाचं शरीरसुद्धा सुदृढ राहते। वर्धा शहरात हे स्विमिंग टँक झाल्यानंतर अनेक स्पर्धक यामधून तयार झाले आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांनी या जिल्ह्याचं नेतृत्व महाराष्ट्र लेवलवर नॅशनल लेवलवर केलं। नगर परिषदने या स्विमिंग टँकला एक चांगलं रूप दिलं आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी येऊन स्विमिंग करावं, आपलं शरीर सुदृढ करावं आणि येणाऱ्या स्पर्धेमध्ये भाग घ्यावा, हेच यामागचा एक उद्देश आहे। या स्विमिंगच्या माध्यमातून या शहराचं नाव या देशाच्या कानाकोपऱ्यात जावं आणि चांगले खेळाडू तयार व्हावे, हीच माझी मनापासून इच्छा आहे। गेल्या 2 वर्षामध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये कुठेच कुठल्याच स्पर्धा झाल्या नाही आणि खेळाडूंना कुठलं प्लॅटफॉर्मसुद्धा मिळालं नाही की त्यांनी त्यांचं गुणांचं प्रदर्शन करण्यासाठी। हा जो स्विमिंग पूल आहे हा 1983
त्याचं काम सुरू झालं होतं. त्यानंतर हा 87 ते 90 दरम्यानमध्ये हा बनला आणि तेव्हापासून या स्विमिंग पूलचं कुठलंच मेंटेनन्स नव्हतं. 2016 डिसेंबरला आम्हाला या नगरपालिकेची सेवा करण्याची जबाबदारी ज्यावेळेला आली त्यावेळेला स्विमिंग पूलमध्ये जे विद्यार्थी यायचे, जे खेळाडू यायचे, त्यांच्या समस्या खूप जास्ती होत्या. आणि मग असं करताना आम्ही एक चांगला आणि बजेटसुद्धा मोठा होता, परंतु महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्रजीच्या नेतृत्वामध्ये जी सरकार होती, सुधीर भाऊच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी त्यावेळेला काही आपण पैसे दिले आणि ज्याच्या माध्यमातून इथे एक चांगलं अद्ययावत असं फिल्टर प्लांट तयार करण्यात आलं, ज्याची लाईफ एक 15 ते 20 वर्ष आता या स्विमिंग पूलला काहीच होणार नाही अशा प्रकारचं एक चांगलं स्विमिंग पूल या ठिकाणी तयार झालेलं आहे. त्याच्या सगळ्या टाईल्स बदलण्यात आलेल्या आहे. आपण बघितलेलं आहे की स्विमिंगमध्ये ज्यावेळेला निवडीची विहीर होती त्याही वेळेला इथे चांगले स्विमर तयार व्हायचे, चांगले खेळाडू तयार व्हायचे, त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळत नव्हता आणि असं डबघाई झालेलं स्विमिंग पूल त्यावेळेला आपण याला थोडंसं चांगल्या प्रकारे तयार केलेलं आहे, चांगलं स्विमिंग पूल तयार केलं आहे जेणेकरून चांगल्या खेळाडूंना इथे वाव मिळव, चांगले खेळाडू इथे तयार होतील. इथून अनेक आपले खेळाडू नॅशनल लेवलवरतीसुद्धा गेलेले आहे, नॅशनल लेवलवरती त्यांनी प्राविण्य प्राप्त केलेले आहे. आपण याच स्विमिंग पूलचा दुसरा भाग म्हणजे की आपण या ठिकाणी आपण बघतात आहे की जिमचं काम सुरू आहे. माननीय नितीनजी गडकरी यांनी या जिमचं भूमिपूजन केलं होतं. याच्या मागचा आपला उद्देश हा आहे की जे खेळाडू येतात त्यांना फिटनेससुद्धा राहावं म्हणून आपण या ठिकाणी जिमचं प्रयोजन केलेलं आहे. ज्या जिमचं बांधकाम सुरू आहे लगेचच काही दिवसातच ह्या जिम लोकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध होईल. मग अशी काही लोकांनी माननीय आमदार साहेबांना डॉक्टर रामदासजी आंबेडकर यांना विनंती केली की अजून एक स्विमिंग पूल पाहिजे नाही. रामदासजींनी त्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे या ठिकाणी आपल्याला आश्वस्तसुद्धा केलेलं आहे. स्विमिंग पूलची मागच्या साईडलाही जागा आहे, त्याही जागेमध्ये आपण स्विमिंग पूलचं प्लॅनिंग करू शकतो. भविष्यात जे जे वर्धेच्या खेळाडूंसाठी त्यांच्या उत्थानासाठी जे काही करणं शक्य असेल ते करण्याचा आपण सदैव प्रयत्न करू, एवढंच या प्रसंगी आपल्याला सांगू इच्छितो. सोबतच या स्पर्धेमध्ये भाग घेणाऱ्या सर्व खेळाडूंना मी त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि माझे वक्तव्य इथे याच ठिकाणी थांबवतो. धन्यवाद. आज वर्ध्यामध्ये ॲक्वाथलॉनच्या स्पर्धेचं आयोजन जे केलेलं आहे त्यात मला एक पाहायला मिळालं की छोट्या मुलांपासून तर मोठ्यांपर्यंत 25 वर्षापर्यंतचे सर्व याच्यात भाग घेतात आहे आणि ही वर्ध्यामध्ये सर्वांना नवीन एक उपक्रम आहे. वर्ध्याच्या दृष्टीने स्विमिंग टँक सर्वत्रच असतात परंतु अशा प्रकारच्या जिल्हास्तरीय स्पर्धा आयोजित करणं हे पहिल्यांदा वर्ध्यामध्ये होत आहे. त्यामुळं मला असं वाटतं की वर्ध्यामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये अशा प्रकारचे नॅशनल लेवलचे जलतरणपटू याच्यातून निर्माण होणार आहे आणि या वर्ध्याचं ते भूषण राहणार आहे. त्यामुळं अशा अर्थाने आणि दुसऱ्या अर्थाने करिअर म्हणूनसुद्धा याच्याकडे काही अर्थाने लोक पाहतात तर मला वाटते दोन्ही अर्थाने या जलतरणाचा उपयोग होणार आहे. आत्ता आज ज्या स्पर्धा सुरू आहे त्यात अत्यंत लोक आनंदात आहे आणि उत्साहात आहे त्यामुळे यावरून लक्षात येते की पुढच्या काळातही या स्पर्धा चांगल्या पद्धतीने मोठ्या पद्धतीने व्हाव्यात अशी मलासुद्धा वाटते. त्यामुळे मी त्यांनाही विनंती केली की पुढच्या वेळीस विदर्भ लेवलवर या स्पर्धा तुम्ही इथे आयोजित करा आणि त्याला आवश्यक ती मदत सरकारी याच्यातून माझ्या फंडातून मी नक्की करणार आहे. कारण ह्या इथलं जे जलतरण इथला तलाव आहे या तलावाचं काम करणारे अतुलजी तराळे इथे बसलेले आहे. अतुलजींनीसुद्धा या शहराचा विकासामध्ये एक मानाचा तुरा लोवलेला आहे. त्यांनी केलेलं काम हे लोक जाणतात आणि मला असं वाटतं की पिढ्यांसाठी पुढच्या पिढ्यांसाठी हे खऱ्या अर्थाने भांडवल एका अर्थाने आपण जे गुंतवलेलं आहे त्याचा मोठा उपयोग होणार आहे. त्यामुळं आज या जलतरण स्पर्धेच्या सर्व खेळाडूंना भाग घेणाऱ्यांना सहभागी झालेल्यांना सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि या स्पर्धा पुढेही अशा मोठ्या प्रमाणात आयोजित कराव्या अशा प्रकारचं सर्वांना इच्छा व्यक्त करतो आणि माझे दोन शब्द. जम्मू काश्मीर में भारतीय सुरक्षा बल सीमा पार से होने वाली हर घुसपैठ पर पैने नजर बनाए हुए हैं. इसी बीच भारतीय सेना की तरफ से एक ऐसी ही कोशिश को फिर नाकाम किया गया है. जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के तंगधार इलाके में आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सेना के जवानों की मुस्तैदी से ऐसा संभव नहीं हो पाया. फिलहाल ऑपरेशन जारी है. घुसपैठ की कोशिश करने के दौरान सेना के जवानों ने आतंकियों पर फायरिंग की और एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया. हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि कुल कितने आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे.
सेना के मुताबिक पिछले कुछ महीने में घुसपैठ की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। वहीं जितनी बार भी आतंकियों ने ऐसी कोशिश की है उसे नाकाम कर दिया गया। वहीं कश्मीर में भी आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। इससे पहले सेना की तरफ से सीनियर अधिकारी ने घुसपैठ को लेकर कहा था कि भारतीय सैनिक घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए नियंत्रण रेखा LOC पर पूरी तरह से सतर्क है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC 16वीं कोर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने 2022-2023 के लिए एक खेल कैलेंडर जारी करने के मौके पर कहा था कि LOC पर तैनात हमारे जवान पूरी तरह से सतर्क है। अगर दुश्मन ने घुसपैठ की कोई कोशिश की तो हम उसे 100% नाकाम कर देंगे। देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में यूथ कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया गया। आंदोलन में यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ साथ स्थानीय कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ये आंदोलन किया गया और गैस सिलेंडर की शोक यात्रा भी निकाली गई। दिन प्रतिदिन देश में महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। ईंधनों की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में मध्यम वर्गीय तबका परेशान है। ईंधन की कीमतें साथ ही गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी इजाफे के विरोध में आज नागपुर के गीतांजलि चौक पर यूथ कांग्रेस द्वारा धरना आंदोलन किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ स्थानीय नेता भी शामिल हुए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अतुल कोटेचा व नागपुर शहर महिला कांग्रेस के अध्यक्षा कुमारी नैश नुसरत अली और वसीम खान की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इस वक्त गैस सिलेंडर की शोक यात्रा भी निकाली गई। हमारे युवक कांग्रेस के वसीम भाई, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नैश अली और सभी कांग्रेस के मध्य नागपुर के हमारी तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से जो सिलेंडर के भाव बढ़े हैं, इस हेतु आज हमारे कार्यकर्ताओं ने नागपुर के गीतांजलि चौक पर एक आंदोलन किया, जिसके अंदर हमने यहाँ पर रोड के ऊपर बढ़ते हुए सिलेंडरों के दाम को जताता हुआ एक ओरिजिनल फोटो हमारे मित्रों ने यहाँ दिया। दोस्तों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जब से आई है, गरीबों का जीना दुभर हो चुका है। जो सिलेंडर कांग्रेस की UPA सरकार ने 450 के ऊपर कभी बढ़ाया नहीं, यह सरकार ने, मोदी की सरकार ने 1042 रुपये तक का यह सिलेंडर आम आदमी को देने का जो निर्णय लिया, हम इसका यह निषेध करने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे ऐसा एहसास होता है कि गरीब आदमी जो अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहा है, उसे यह काम करने का साथ साथ सिर्फ सिलेंडर के लिए आज घर से 1000 और 1100 रुपये देना पड़ रहा है, यह शर्म की बात है। इस देश के अंदर जब से यह सरकार आई है, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, सबका जीना दुभर हो चुका है। और मुझे यह बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि हम इसका विरोध करने के लिए पूरे महाराष्ट्र भर में हमारे युवक कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीड़ा उठाया, जो अब यह नहीं थमेगा। और मुझे विश्वास है, जिस प्रकार से मोदी सरकार ने, चाहे अनाज हो, चाहे तेल हो, चाहे सिलेंडर हो, सभी का दाम जो बढ़ाया है, ये हम चौक चौक में जाकर, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर आम जनता को बताएंगे और उनकी आंखें खोलेंगे और इस सरकार की नाकामी को उजागर करने का काम हमारे साथियों द्वारा किया जाएगा। आज यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है, वो इस देश की, इतिहास की सबसे बड़ी फेलियर सरकार के खिलाफ हो रहा है, BJP सरकार। आज हमारे यहाँ वसीम खान भाई और मध्य नागपुर के ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल भाई से लेकर के सारे लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद है, आज यहाँ पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं खड़े, ये आम लोगों की आवाज़ यहाँ पे खड़ी हुई। एक गृहिणी, एक महिला अपना घर कैसे चला रही है, ये सिर्फ वो जानती है। जब सिलेंडर केवल 416 से लेकर के 465 रुपये तक हुआ था, तो स्मृति ईरानी रोड पर बैठ के तमाशे करती थी
और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेंट में देती थी। ठीक है, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है, कांग्रेस की सभ्यता नहीं है, लेकिन कब तक ये चलेगा? नरेंद्र मोदी जी को देश की महिलाओं की आवाज़ या बढ़ते डीजल और पेट्रोल के रेट क्यों नहीं दिखाई देते? ये सिर्फ एक पैसे वालों की सरकार है जो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। हम यहाँ पर इसका पूरी तरीके से निषेध करते हैं, इसका विरोध करते हैं। मेरे भाई वसीम खान ने आज ये आंदोलन लिया और यहाँ पर आप देख सकते हो सभी युवा हैं, हमारे मोतीराम भैया है, बाकी सभी युवा लोग हैं, फिरोज़ भाई वगैरह सभी लोग हैं अपने यहाँ पर। आज ये क्यों खड़े हुए यहाँ पर? आज नागपुर में जो टेम्परेचर चल रहा है उसके बावजूद भी आंदोलन हर दिन हो रहा है कहीं ना कहीं। क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को त्रस्त कर दिया। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अचानक से टीवी पर प्रकट होते हैं, अपने मन की बात करते हैं और छुअंतर हो जाते हैं। उनको बोलिए देश की मन की बात करो, देश के लोगों की मन की बात करो, देश की महिला किस स्थिति में है उसकी बात करें, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे उसकी बात करें, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा उस पर बात करें। आप GDP पे बात क्यों नहीं करते? इस वक्त हम बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से भी नीचे, तो हम कॉम्पिटिशन केवल पाकिस्तान से करेंगे क्या? हम इस देश के वासी है, हमने यहाँ के लोगों ने आपको चुन के लाया है, आप एक संवैधानिक भारत के सबसे बड़े पद पर हैं, लेकिन आप उसको जैसे दरकिनार कर रहे हैं। आपको देश के युवा नहीं दिखते, देश के किसान नहीं दिखते, देश के श्रमिक नहीं दिखते। जब UP चुनाव आपको दिख रहा था कि करीब आ गए, तो अचानक से आपको कृषि कानून वापस लेने का विचार आ गया। 750 किसान वहाँ मारे गए, आपने 750 शब्द संवेदना के नहीं बोले साहब। मैडम आज का जो मुद्दा है आप उस पर बताइए। आज सर हम लोग त्रस्त हो चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से इस सरकार का विरोध करते हैं। गैस सिलेंडर जो ये है ये 1000 के पार हो चुका है, लुटेरों की सरकार, सिलेंडर 1000 के पार, ये हमारे आज के आंदोलन का शीर्षक है। आज यहाँ पर सभी लोग अपना घर बार छोड़ करके यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। माननीय श्री विकास भाई ठाकरे के आदेश अनुसार लिया गया है और हमारी महिला अध्यक्ष और हमारे महाराष्ट्र के महासचिव श्री अतुल कुटेजा जी भैया जी भी आ रहे हैं, उनकी मौजूदगी में कार्यक्रम नागपुर शहर युवक कांग्रेस के नेतृत्व में लिया गया है। आज का ये हमारा जो मुद्दा है, अब की बार गैस सिलेंडर 1000 के पार, तो ये नौबत आ गई है कि एक आम जो दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर है या जो एक मिडिल क्लास वाला बंदा है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता है गैस सिलेंडर। तो हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमको जंगल और झाड़ कटने की परमिशन दे दो, तो हम लकड़ियाँ सुखाकर घर में चूल्हा जलाएंगे, क्योंकि अब तो ये हाल आ गया है कि गैस सिलेंडर हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। चलो हम कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास कहाँ से अफोर्ड करेगा? यही हमारा मुद्दा है, हम ये मुद्दा जाने नहीं देंगे। जैसे अपोजिशन जब कांग्रेस सरकार में थी और जब 465 सिलेंडर का दाम हुआ था तो चूड़ियाँ लेकर स्मृति ईरानी बाहर निकली थी, तो आज वो स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? आज बड़े बड़े जो BJP के लीडर हैं वो कहाँ सो गए? आज वो बोलने का नाम नहीं ले रहे, लोगों को हिंदू मुस्लिम लाउड स्पीकर शिवलिंग अजान इसी में गुमराह कर रहे हैं। और जो मेन बेसिक मुद्दे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, पूरी मार्केट इन्फ्लेशन आया हुआ है ना इंडिया में, कोई दिवाला निकलने की नौबत आ गई है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। गरीब मरते जा रहा है, बस से बदतर हो रहा है। और ये रंगा बिल्ला की जो सरकार है, रंगा जो मोदी और बिल्ला जो अमित शाह है, सिर्फ इन्हीं के फायदे के लिए सरकार बनी है, उन्हीं को फायदा है और गरीब बस से बदतर हो रहा है। इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हम पहले भी बाहर निकले थे, आज मेरे साथ एक्स कॉरपोरेटर फिरोज खान साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम जी, हमारे शहर के वरिष्ठ महासचिव, ऐसे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मोतीराम मोहाड़ेकर जी, राजा काका चिल्लाटे जी, विजय साकरे जी, ये खुद HP में काम करते हैं, खुद HP गैस में काम करते हैं। इनको पता है इनके घर की सिचुएशन क्या है, ये कमाते 8000 रुपये महीना है और 1000 का सिलेंडर 15 दिन में कहाँ से लाएंगे? तो हम आज यहाँ गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि आप सिलेंडर के दाम कम करो,
नहीं तो हम ऐसी रोड पे आते जाएंगे और ऐसे आंदोलन हमारा जारी रहे। जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है, जिसके लिए अमरावती जिले में शिवसेना की ओर से केंद्र सरकार के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। इस समय सिलेंडर की प्रतीकात्मक प्रेत यात्रा निकालकर केंद्र सरकार का निषेध किया गया। यह आंदोलन अमरावती के गर्ल्स चौक से शुरू हुआ। उस समय हाथ में पेट्रोल डीजल के फलक लेकर शिवसैनिक रास्ते पर उतर आए। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सिलेंडर पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग आंदोलनकर्ताओं ने की। इस समय जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सिलेंडर की अंत यात्रा निकालकर शिव सैनिकों ने रोकर आक्रोश कर अपना विरोध जताया। आमचा आंदोलन करने का उद्देश्य एक है कि 2014 साली जेव्हा मोदीचं सरकार यायच्या आधी गैस सिलेंडर चे रेट होते 350 रुपये किंवा 400 रुपये, तो आज 1100 रुपयापर्यंत गेला। पेट्रोलचा दर होता 60 रुपये, तो आज 120 क्रॉस करून पुढे देखील आणखी वाढण्याची शक्यता आहे। LPGचा रेट होता 48 रुपये, तो देखील आता 75-76 रुपयावर गेलेला आहे। जसे पेट्रोल डिझेलचे दर वाढतात त्याचबरोबर मग अन्नधान्य असेल, भाजीपाला असेल, सगळ्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत त्या सगळ्या वाढत जातात। आणि मला असं वाटतं की आता ही जी काय भाववाढ आहे ही भाववाढ कमी होणार नाही, ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे। कदाचित गॅसचं सिलेंडर 200 रुपयापर्यंत देखील पुढे जाण्याची शक्यता आहे। आणि सरकारने जे काही आम्हाला आश्वासनं दिली होती सरकार यायच्या आधी, मोदी सरकार यायच्या आधी, त्यातलं कुठलंही आश्वासन सरकारने पाळलं नाही। सरकार यायच्या आधी आम्हाला सांगितलं होतं की जर तुम्ही आम्हाला निवडून दिलं तर या देशामध्ये जो काही देशाच्या बाहेर गेलेला काळा पैसा आहे त्या लोकांना फरफडत आणू, आणि प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये आम्ही 15-15 लाख रुपये जमा करू। 15 लाख रुपये जमा झालेत, प्रत्येक गरिबाला राहायला घर देऊ, किती लोकं घरात राहायला गेलेत, महागाई तुमची कमी करू, किती लोकांची महागाई कमी झाली। आणि हे कुठेतरी थांबायला पाहिजे, कुठेतरी सरकारला जाग यायला पाहिजे। सरकार नुसत्या गेंड्याच्या कातडी पांघरून झोपलेलं आहे, आणि जोपर्यंत अशा पद्धतीचे आंदोलन होणार नाही तोपर्यंत सरकारला जाग येणार नाही। आणि गरीब माणूस जो आहे तो गरीब माणूस आणखी दिवसेंदिवस पिचला जाणार, त्याला बिचाऱ्याला डाळ भात खायचे देखील वांदे झालेले आहेत, कारण तो नाही एफोर्ड करू शकत त्या गोष्टी। आणि त्याच्यामुळे सरकारला जाग आणण्यासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपात केलेलं आंदोलन आहे, हे खूप छोट्या प्रमाणात आम्ही केलेलं आहे। जर समजा सरकारला जाग आलं नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा पद्धतीचं आंदोलन आम्ही शिवसेनेच्या वतीने करणार आहोत, हा फक्त आमचा इशारा आहे। देशात मोदी साहेबांचं सरकार आल्यानंतर गॅसचे दर हे 350-450 रुपये होते, आणि आता गॅसचे दर हे 1100 रुपयापर्यंत पोहोचलेले आहे। आमचं सर्व नागरिकांच्या वतीने आणि शिवसेनेच्या वतीनं देशाच्या पंतप्रधानांना विनंती आहे का आम्हाला तुमचे 1100 रुपयेवाले अच्छे दिन नको आहेत, आम्हाला आमचे 350-वालेच अच्छे दिन वापस द्या, आम्हाला तुमचे अच्छे दिनही नाही पाहिजे, आणि याच्या पुढं जर तुम्ही असेच वागाल तर आता आम्हाला तुम्हीसुद्धा पाहिजे नाही। हा आणि यासाठीच आम्ही आज शिवसेनेच्या वतीनं संपर्क प्रमुखांच्या नेतृत्वात आम्ही एक प्रेतयात्रा काढलेली आहे, आणि याच्यानंतर जर सरकारने दखल नाही घेतली तर लवकरच शिवसेना महामोर्चा सुद्धा या अमरावतीत काढेल, एवढीच प्रशासनानं दखल घ्यावी। बघ तो चला एक ब्रेक का मिळते, एक छोटेसे ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। We'll be right back.
के बाद आपका स्वागत है। पांचपौली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वाहन चोरी की घटना सामने आई है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और कुल 4 गाड़ियां जब्त की है। आरोपी पहले कबाड़ी का काम करता था और बेरोजगारी के चलते उसने वाहन चोरी करना शुरू कर दिया था। फरियादी 29 वर्षीय मोहम्मद शिबान मोहम्मद नईम अंसारी, इन्होंने अपनी दोपहिया एक्टिवा गाड़ी को अपने घर के सामने पार्क किया था। कुछ समय बाद घर से बाहर निकलने पर उन्हें गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी के चोरी होने का पता चलते ही उन्होंने गाड़ी की खोज शुरू कर दी। तभी भीम चौक यशोधरा नगर पांचपौली परिसर में डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले के पास फरियादी को चोर गाड़ी के साथ नजर आया। तभी उसे पकड़कर फरियादी ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने की हुई जांच के बाद पता चला कि आरोपी 22 वर्षीय शेख शहजाद शेख इस्माइल कपिल नगर निवासी है। इसके खिलाफ धारा 379 के तहत गुनाह दाखिल किया गया है। आरोपी पहले कबाड़ी का काम करता था, फिर बेरोजगारी के चलते उसने वाहन चोरी करना शुरू कर दिया। आरोपी ने पहले भी कोराडी कपिल नगर और पांचपौली परिसर से 3 गाड़ियां चुराने की बात कबूल की है। पुलिस ने आरोपी से 4 गाड़ी की रिकवरी की है। कुल 1,40,000 का माल जब्त किया है। सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी मोहम्मद शिबान मोहम्मद नईम अंसारी व 29 वर्ष राहणार नई बस्ती पोलीस स्टेशन पाचपावली यांनी त्यांची दुचाकी गाडी आहे ॲक्टिवा ही त्यांच्या घरासमोर पार्क करून ठेवली होती। काही वेळानंतर ते जेव्हा घराच्या बाहेर आले तेव्हा त्यांनी पार्क केलेली गाडी त्यांना दिसली नाही। तर त्यांच्या असं लक्षात आलं की कोणीतरी चोरून नेली असावी म्हणून त्यांनी गाडीचा शोध घ्यायला सुरुवात केली। भीमचौक यशोधरा नगर आणि पाचपावलीची जी हद्द आहे त्यामध्ये तिथे चाबी बनवून जी डुप्लिकेट चाबी बनवून देतात त्या चाबी बनवणाऱ्याकडे हा आरोपी गाडीसह त्यांना मिळून आला। त्याला लगेच त्यांनी ताब्यात घेतलं आणि पोलिसांना कॉल केला। नंतर त्याला पोलीस स्टेशनला आणण्यात आलं आणि फिर्यादीने दिलेल्या तक्रारीनुसार आरोपी शेख शहजाद शेख इस्माईल वय 22 वर्षे राहणार उप्पलवाडी पोलीस स्टेशन कपिल नगर याच्याविरुद्ध कलम 379 भादवीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। सदर आरोपीला माननीय न्यायालयात हजर करून त्याचा PCR घेण्यात आला आणि PCR दरम्यान त्याच्याकडे अधिक सखोल तपास केला असता त्यांनी अजून 3 गाड्या चोरल्याची कबुली दिली। त्यामध्ये एक पोलीस स्टेशन कोराडी, एक पोलीस स्टेशन कपिल नगर आणि एक पोलीस स्टेशन पाचपावलीचीच अजून एका गुन्ह्यामधली गाडी त्यांनी रिकवरी दिलेली आहे। अशा एकूण टोटल 4 गाड्यांची रिकवरी त्याच्याकडून झालेली आहे। 1,40,000 मुद्देमाल त्याच्याकडून जप्त करण्यात आलेला आहे। याच्यापूर्वी गुन्ह्याबाबत आम्ही माहिती घेत आहोत परंतु त्याची मोडस अशी आहे की घराच्या समोर गाडी पार्क केलेली असली तर ती धक्का मारत मारत घेऊन जाणे आणि मग त्याची चावी बनवणे डुप्लिकेट आणि मग चावी बनवून त्या गाडीची विल्हेवाट लावणे। मुळात हा 5-6 महिन्यापूर्वी कबाडीचं काम करायचा। कबाडीचं काम सुटल्यानंतर त्याच्याकडे कोणतंही काम नव्हतं आणि त्याच बेरोजगारीच्या ह्याच्यातनं त्यांनी हा चोरीसारखा गुन्हा केलेला असावा। तो विकतो अशी त्यांनी माहिती दिली नाही। म्हणजे आम्ही अजून 3 गाड्या त्याच्याकडून रिकवर केलेल्या आहेत त्याच्याच घरी आजूबाजूला ठेवलेल्या मिळून आलेल्या आहे आम्हाला। त्यांनी कोणाला विकली वगैरे नाही आहे। कदाचित सर्व प्रकरण शांत झाल्यानंतर ती गाडी तो विकत असावा अशी प्राथमिक माहिती आहे। नाशिक में पिछले 24 घंटों में हुई 2 हत्याएं और 2 संदेहजनक आत्महत्याओं से नाशिक शहर में हड़कंप मच गया है। नाशिक में फिर एक बार देर रात एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक 50 वर्षीय हरीश पाटिल है। यह घटना पुणे रोड पर स्थित पौर्णिमा बस स्टॉप परिसर में घटी है। नासिक में बीते 24 घंटों में 2 हत्याएं और 2 संदेहजनक आत्महत्याएं हुई। कल ही पुराने विवाद के चलते एक युवक की मसरूल में हत्या कर दी गई तो पिता पुत्र का संदेहजनक मृतदेह घर में पाया गया। आज फिर नासिक में एक युवक की हत्या कर दी गई। नासिक में बीते कई दिनों से अपराधों की संख्या बढ़ गई है जिस वजह से शहर के नागरिकों में डर की स्थिति पैदा हो गई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार प्रातः करीब 4 से 5 बजे के दौरान लुटेरों ने लूट के इरादे से इस वृद्ध की हत्या की है। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। यह प्रकरण मध्य एक पादचारी रस्ते चलत असताना 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल मागून आलेले आहेत आणि त्याचा त्यांनी गाधाशत्रांनी खून केला दिसून येत आहे। यामागेचा हेतू काय आहे हे पुढे निष्पन्न होईल। तपास सध्या चालू आहे। याबद्दल पुढे तपास चालू आहे। त्या व्यक्तीच्या बरोबर आपले आधार कार्ड सापडलं आहे। त्यानंतर ते दिसून येत आहे की ती व्यक्ती ही पुण्यातली रहिवासी होती। मी माहिती घेतो, सध्या माझ्याकडे माहिती प्राप्त नाही आहे। नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये आज सकाळी पहाटे 4:45 दरम्यान एका पादचार्याचा, ज्याचं नाव पाटील, निष्पन्न झालेलं आहे, त्या व्यक्तीचा निरूपणे खून करण्यात आलेला आहे।
त्याचा तपास पुढे भद्रकाली पोलीस ठाण्याचे पीआय करत आहेत. एअर इंडिया की बंगलुरु के लिए निकली फ्लाइट A3210 का आपातकालीन लैंडिंग मुंबई एयरपोर्ट पर ही किया गया. टेक ऑफ के आधे घंटे के बाद फ्लाइट के इंजन में खराबी होने से हवाई जहाज को मुंबई हवाई अड्डे पर उतारा गया. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह 10 बजे के करीब मुंबई से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट के इंजन में खराबी आने की वजह से आपातकालीन लैंडिंग मुंबई हवाई अड्डे पर ही की गई. मिली जानकारी के अनुसार हवाई जहाज ने 9 बजे बेंगलुरु के लिए प्रस्थान किया था. आपातकालीन लैंडिंग के बाद प्रवासियों को दूसरे हवाई जहाज का इंतजाम कराया गया. इस घटना की जानकारी देते समय एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि एयरलाइन की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हमारे क्रू मेंबर्स भी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित है. हमारे देखभाल कार्य संघ ने समय पर समस्या के निवारण के लिए ये कदम उठाया. नागपुर में ऑफिसर्स क्लब में सतत विकास लक्ष्यों पर जिला सूचकांक योजना संभागीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन डॉक्टर माधवी खोड़े चावरे के हाथों किया गया. इस समारोह में कलेक्टर आर विमला, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, सूचना निदेशक हेमराज बाकुल, निदेशक वित्त एवं सांख्यिकी विजय अहिर, अतिरिक्त निदेशक जितेंद्र चौधरी, उप वन संरक्षक डॉक्टर भरत सिंह हाड़ा मौजूद थे. डॉक्टर माधवी खोड़े चावरे ने अपने संभाषण में कहा कि सतत विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में केवल उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने से गुणवत्ता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए. जिला स्तर पर समाज के समग्र विकास का मॉडल तैयार करते समय योजना अधिकारी को ऐसी योजना बनानी चाहिए जो सभी घटकों को विकास का समान अवसर प्रदान करे. चंद्रपुर मूल मार्ग पर अजयपुर में हुई दुर्घटना में 9 लोग मारे गए. बीती रात एक पेट्रोल टैंकर और लकड़ी के ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई. टक्कर बाद ट्रक का टायर फट गया. ट्रक का टायर फटने के बाद आग लग गई. ये दर्दनाक हादसा बीती रात अजयपुर गांव के पास हुआ. पेट्रोल टैंकर और लकड़ी के ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई. हादसे के बाद भीषण आग लग गई. आग लगने से ट्रक का टायर फट गया. मूल चंद्रपुर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया. प्रारंभिक जानकारी में आग लगने से शव जले होने की बात सामने आई है. वही शवों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस की जांच चल रही है. हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है. हादसा बीती रात अजयपुर गांव के पास हुआ. यह हादसा एक पेट्रोल टैंकर और एक ट्रक में हुआ. दुर्घटना के बाद भीषण आग लग गई. मूल चंद्रपुर में दमकल की गाड़ी ने सुबह तक आग पर काबू पाया. आग से शव जलकर राख हो गए. प्लास्टिक बैग में शव को चंद्रपुर जिला अस्पताल ले जाया गया. मृतकों की पहचान अमरावती निवासी हाफिज खान और वर्धा निवासी संजय पाटिल के रूप में हुई है. तो वीकेबी प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.